बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी गोश्त। तो ये मेरी फैमिली छोटी है तो मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ, तो आप जिस हिसाब से बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये अरबी मैंने 250 ग्राम ले लिए और 250 ग्राम ही गोश्त है, और दो अदद प्याज थे इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया, दो अदद टमाटर है इनको भी मैंने काट लिया है बारीक, लहसुन और अदरक है और धनिया सब्ज़ मिर्च, और ये मसाले हैं घर के, इसमें काली मिर्च, सुरख मिर्च, नमक और गरम मसाला और हल्दी शामिल है। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पतीली ले ली है, सारा सामान जो हमारा है वो हम पतीली के अंदर डाल लेते हैं। तो और साथ में ये प्याज है, ये मैंने प्याज भी डाल दिए इसके अंदर, और जो टमाटर काट के रखे हैं हमने दो अदद वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, और लहसुन जो है वो और अदरक भी डाल लेते हैं। अदरक को मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया हुआ है, और जो हमारे मसाले हैं ये अब इसके अंदर डाल लेते हैं। और इसके अंदर मैं डालूंगी 2 से 2.5 ग्लास जो है पानी, और इसको मैं रेस्ट दे दूंगी 45 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। तो ये मैंने ढक दिया और फ्लेम जो है वो हम मीडियम कर लेंगे। तो ये देख लें जी, 45 मिनट के बाद जो है वो पानी अभी थोड़ा सा है इसमें, और हम घी डाल लेते हैं और फिर अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं। तो अब ये अच्छी तरह से हम गोश्त को भून लेते हैं ताकि मसाला भी जो है वो हमारा मिक्स हो जाए सारा। ये देख लें जी, गोश्त जो है वो अच्छी तरह से भुनाई होगी है, जो हमने काट के रखी थी अरवी वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ये भी इस अरवी को भी अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे ताकि जो इसके अंदर लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये देख लें, अब हमारा जो सालन है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा शोरबा आपने जिस हिसाब से रखना हो उस हिसाब से रखेंगे। मैं थोड़ा सा ठीक रखूँगी, मेरे बच्चे थोड़ा सा ठीक जो शोरबा है वो पसंद करते हैं। तो फिर इसको थोड़ी देर और फ्राई होने के लिए रख देंगे जी। ये अब जो शोरबा है वो ठीक हो गया हुआ है, और थोड़ा सा इसको घी निकलने का इंतज़ार करते हैं हम, और फिर हम इसको बॉल में डाल लेते हैं जी। ये देख लें जी, अरबी गोश्त हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो डाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।